हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज गए अभी और आज का दिन है थर्सडे। और अभी जो यहाँ पर पोछा लगाना था मुझे, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मॉप वगैरह लिया था मैंने, तो देखा यहाँ पर कि ऋषभ कुछ कर रहा है, तो आकर देखा यहाँ पे तो टेलकम पाउडर का डब्बा अपना और तेल की बोतल यहाँ पर पूरी की पूरी खाली हो गई है। तेल की बोतल जो है ना बाहर खिड़की में से डाल दी उसने, निकाल के मतलब पूरा तेल जो है ना खिड़की के बाहर इसमें से बोतल में से निकाल दिया है। और पाउडर जो है ना कटोरी में पानी डाल के मिक्स कर लिया और ड्रेसिंग को और आईने को ना अच्छे से लीप दिया है उसने पाउडर से। तो अभी मैंने उसको साफ कर लिया है। उसका ना ऐसे ही है, उसको ऐसी चीज़ें सामने मिल जाती है ना तो छोड़ता नहीं है वो। ये पाउडर के डब्बे, परफ्यूम के डब्बे, मेरी लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, ऐसे कुछ भी उसको मिल जाता है ना तो पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद उसको फेंक देता है और फिर चलता बनता है वहाँ से। वो जब तक खत्म नहीं करता ना उन चीज़ों को, तब तक छोड़ता नहीं उसके हाथ में आने के बाद में। तो इस वजह से ना मैं कुछ चीज़ें ना ऊपर रख देती हूँ ड्रेसिंग के एकदम ऊपर। और कभी ऐसा गलती से ही हो जाता है कि हमसे चीज़ें नीचे रह जाती है, तो फिर उसका काम तमाम होना ही है। वो बोलते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वैसे ही कुछ काम है उसका। तो देखिए, पर मैं पोछा लगा ले रही हूँ, झाड़ू लगा लिए खुशी ने, और यहाँ पर देखिए उधर का सत्यानाश करके इधर आ गया है और अपना टीवी लगा दिया, उसने टीवी देख रहा है। और अभी तो छुट्टियों की शुरुआत हो गई है, अभी से इतना तंग करना शुरू कर दिया इसने, पता नहीं अभी 2-2.5 महीने कैसे कटने वाले हैं। मैं तो इन 3-4 दिनों में ही ना परेशान हो गई हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करे। तो देखिए, खुशी की झाड़ू लगा ली थी खुशी ने, तो अभी अपना टैब लेके बैठ गई है, एकदम सुकून से बैठ जाती है। बाद में 1-2 घंटे ना टैब को छोड़ती नहीं है वो अपना टीवी देखेगा और ये अपना टैब देखेगी। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन के सारे काम जो है ना ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे मतलब कुछ हो गया है कुछ नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे काम किचन में है, बाहर के काम सारे हो गए हैं। तो किचन में अभी मुझे दाल बनानी है और रोटियां मैंने सुबह ही सेक ली थी, आज गुरुवार है तो इनको उपवास का नाश्ता बना दिया था, साबुदाने के वड़े बना दिए थे, सभी ने वही खाए हैं नाश्ते में। साबुदाने के वड़े बच्चों को पसंद आते हैं तो मैंने सभी के लिए वही बना दिए। और रोटियां सेक ली थी साथ के साथ में, और सब्जी के लिए ना कुछ था नहीं आज घर में, कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या बनाऊँ, तो कन्फ्यूज़ ही थी। तो फिर अभी सोच रही हूँ कि दाल ही बना देती हूँ, दाल फ्राई कर लूँगी। और ये जो बर्तन है ना, तो ये नीचे के टोकरे में के, तो मौसिया सुबह ही बर्तन साफ करके चले गए, उनके बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनको हॉस्पिटल जाना था, तो जल्दी से काम करके चले गए। तो अभी मैंने ऊपर वाली जो बास्केट है ना उसको खाली कर लिया है। अभी ये शक्कर का डब्बा मैंने साफ़ किया था कल रात में, तो सूख गया अच्छे से, तो उसमें शक्कर भर के रख दी है। और अभी यहाँ पे दाल लगा ले रही हूँ, दाल को थोड़ा सा मैंने भिगा दिया था 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद दाल लगा ले रही हूँ। और हम जब दाल भिगा के बनाते हैं ना, मतलब 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भिगाने के बाद फिर कुकर में लगाते हैं ना, तो जो दाल होती है ना तो ज़्यादा हेल्दी हो जाती है हमारे लिए, उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो हमेशा दाल जो है ना भिगा कर ही लगानी चाहिए, मैं पहले भिगा कर नहीं लगा देती, लेकिन अपना याद से भिगा देती हूँ। कभी कभी 10 मिनट हो जाते हैं, कभी 15 मिनट, कभी कभी थोड़ा और ज़्यादा भिगा देती हूँ, लेकिन अभी कोशिश शुरू कर दी है तो फिर धीरे धीरे आदत लग जाएगी। चलिए, थोड़ी सी सफाई भी काउंटर की कर ली मैंने। अभी ये जो बॉटल कल साफ करके रखी थी ना मैंने, तो अच्छे से सूख गई है, तो अभी जो है ना बॉटल में तेल भी भर देते हैं। तो ये दोनों बॉटल है ना, तो ये दोनों बॉटल में मिलके 1 लीटर तेल बैठ जाता है, तो 1 लीटर तेल जो है ना मुझे 10 दिन तक चला जाता है। पहले नहीं जाता था, 4-5 दिनों तक तेल जाता था 1 लीटर, लेकिन जब से तेल कम यूज़ करने लगी ना, अब 10 दिन तक चला जाता है। तो इन बॉटल में भर देती हूँ ना, तो फिर मुझे आइडिया भी लग जाता है कि मुझे मतलब कितने दिनों में तेल कितना लग रहा है। चलिए, तेल भी भर दिया बॉटल में, अभी इसको रख देते हैं बास्केट के अंदर। और मुझे मलाई से बटर निकालना है अभी, तो वो फटाफट से कर लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो है मलाई से बटर मैंने निकाल लिया है। तो जब तक मैं बटर बना रही थी मलाई से, तब तक दाल भी जो है ना बन गई है। तो दाल नीचे रख दी मैंने उतार के, और उसी पर मैंने कढ़ाई रख दी है घी बनाने के लिए, छोड़ दिया है इसमें। और साथ में यहाँ पर टमाटर पोंछ ले रही हूँ, धो लिए मैंने अच्छे से, और टमाटर कट कर लूँगी। टमाटर की जो है ना पेस्ट बनानी है मुझे, और ये वाले टमाटर जो है ना खट्टे है, तो मैंने थोड़े से ही लिए है। ये वाले टमाटर ज़्यादा लगते नहीं सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि बहुत खट्टी सब्जी बन जाती है, तो बहुत कम टमाटर डालना पड़ता है। अगर अभी दूसरे टमाटर होते ना, वो जो कम खट्टे होते हैं, तो इससे डबल टमाटर लगते मुझे, लेकिन ये खट्टे हैं तो इतने ही काफ़ी हो जाएंगे 1 वीक के लिए। और यहाँ पर देखिए टीवी ऑन कर दिए मैंने, टीवी देखते हुए काम करती हूँ अपने, और बच्चे जो है ना रूम में है, टैब देख रहे हैं अपना, दोनों मिलके कुछ देख रहे हैं। और ये जो पर्दे हैं ना, ये सब खोल के रख देता है, और मुझे खुले हुए पर्दे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं हमेशा ना पर्दों को ऐसे बंद करके ही रखती हूँ। और तो टमाटर कट करने के पहले मैंने सोचा 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, और पानी का भी है ना याद से पानी पीना पड़ता है, गर्मियाँ शुरू हो गई ना तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना पड़ता है, पानी का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को भी पानी पिलाती रहती हूँ, मतलब ऋषभ को, और खुशी को भी बोलती रहती हूँ कि पानी पिया कर। गर्मियों में जो है ना इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों के खाने पीने का, मतलब पानी जो है ना बॉडी में से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी कम होने से क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना शुरू हो जाती है, गर्मियों की प्रॉब्लम। तो पानी हमेशा ना पीते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में ना
बैठ के आराम से शांति से पानी पीना चाहिए। तो चलिए टमाटर जो है ना कट कर लिए मैंने, अभी ये टमाटर को पैन में डाल लेते हैं और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं, ढक के रख देती हूँ इसको। और घी जो है ना अभी बनानी है तो मैंने साइड के गैस पर रख दिया है, स्लो फ्लेम पर ही बनाती रहती हूँ घी, और ऐसे बीच बीच में ना स्टर करती रहती हूँ तो कढ़ाई जो है ना बिल्कुल ख़राब होती नहीं है। और अभी देखिए ये जो टाइम है ना ये शाम का टाइम है, 5 बज गए अभी, और शाम की मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और ये जो टमाटर की पेस्ट है ना तभी बना ली थी मैंने, लेकिन फिर ठंडी होने के लिए छोड़ दी थी ऐसे ही। तो अभी इसको बॉटल में भर के रख देते हैं, तो अभी 1 वीक के लिए मुझे टमाटर कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई है, जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया है और टमाटर की जो पेस्ट है ना वो भी खाली कर ली है कढ़ाई में से। और यहाँ पर बच्चों के साथ बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ, 10-15 मिनट ऐसे ही बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ में, बातें वगैरह करती हूँ। और आजकल तो बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई है क्योंकि अभी खुशी की 12th की एग्जाम हो गए हैं, तो फिर नेक्स्ट की जो ये प्लानिंग है वो शुरू हो गई है कि मतलब कौन सा कॉलेज लेना है, क्या करना है, तो उसी पर ना बहुत सारी दिन भर बातें होती रहती है। तो अभी देखिए अभी 6:30 बज गए हैं शाम के, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ और साइड की जो कढ़ाई है ना उसमें मैंने दाल फ्राई कर ली है। और ये जो दाल है ना सुबह की है, सुबह दाल फ्राई करने का काम ही नहीं पड़ा मुझे, रोटियाँ मैंने सुबह सेक ली थी ना तो खुशी ने रोटियाँ ही फ्राई कर दी। वो रोटी के जो पोहे बनाती हूँ ना मैं, रोटी के कोर छोपती हूँ रोटी, तो वो बना दी खुशी ने, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो, तो दाल वैसे ही रह गई थी तो वो दाल तो अब फ्राई कर ली है। और साथ में ना मैं हलवा बना लूँगी थोड़ी देर से, गर्मा गर्म हलवा सभी खा लेंगे, आज गुरुवार है, इनको उपवास है और रामनवमी भी है, तो हलवा सबके लिए बनाऊंगी। और अभी रोटियां वगैरह सेक ली थी मैंने, तो फिर काउंटर भी साफ कर लिया है और अभी ये जो बर्तन है तो ये बर्तन कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाल के रखा है, जो व्हाइट व्हाइट सारे जो धब्बे धब्बे दिख रहे ना तो ये खारे पानी के धब्बे है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हार्पिक डाला है। हार्पिक से वाले जो सारे धब्बे ना आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल घिसना रिगड़ना नहीं पड़ता, आराम से निकल जाते हैं, बस ब्रश से ना उसको आराम से फैला दूंगी ऐसे, और बाद में कपड़े से पोंछ लूंगी थोड़ी देर रखने के बाद में, तो पूरे जो व्हाइट धब्बे ना निकल जाएंगे। इससे ना कमाल का रिजल्ट आता है, एकदम साफ हो जाते हैं सारे जो दाग धब्बे ना खारे पानी के, कहीं पर भी हो ना, कहीं पर भी खारे पानी के धब्बे होते हैं तो हार्पिक से निकल जाते हैं। और ये जो हार्पिक की बॉटल है ना मैं मतलब टॉयलेट के लिए अलग रखती हूँ, और एक हार्पिक की बॉटल अलग रखती हूँ कहीं पर भी यूज़ करने के लिए। और ये हार्पिक जो है ना खाली बाथरूम साफ़ नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना साफ़ हो जाती है इससे, पीतल के जो बर्तन है ना उससे इससे वो भी साफ़ हो जाते हैं, जो हरे पड़ जाते हैं ना, काले पड़ जाते हैं, तो एकदम चुटकी में साफ हो जाते हैं। और अभी देखिए सिंक का एरिया भी जो है ना कितना व्हाइट हो गया था, अभी कितना मतलब चमक रहा है, पूरे व्हाइट निशान जो है ना खारे पानी के दाग हो जाते हैं ना वो पूरे निकल गए हैं इसे। तो देखिए मैंने कपड़े से अच्छे से सब कुछ ना पोंछ लिया है, जितना भी हार्पिक फैलाया था ना सभी, पानी से भी धो सकते हैं लेकिन कभी क्या हो जाता है ना सिंक में काले निशान पड़ जाते हैं इसे, तो कपड़े से पोंछ लेते हैं ना पहले, उसके बाद धोते हैं तो फिर कोई निशान वगैरह नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय फ्रेंड्स।